नमस्कार, मैं हूं मानव डोभाल और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल के मां नयाना देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। भाजपा कार्यकर्ताओं को 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर दिया टिप्स। पौड़ी में गढ़वाल राइफल्स के मनदीप सिंह नेगी की शहादत को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जताया शोक, ट्वीट करके दी श्रद्धांजलि। रानी पोखरी पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद वैकल्पिक मार्ग का किया गया इंतजाम, पाइपों की मदद से बनाया गया पुल। बद्रीनाथ में यात्रा सुचारू करने को लेकर आप पार्टी उतरी समर्थन में, प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए की जोरदार नारेबाजी। जसपुर के पतरामपुर क्षेत्र में गुलदार के आतंक के चलते आधे दर्जन युवक हुए घायल, वन विभाग की तरफ से कवायद हुई तेज। रुड़की में गणेशपुर पुल पर बार बार शिलापट बदलने पर कांग्रेस ने नगर निगम पर लगाया पैसे बर्बाद करने का आरोप, नगर निगम कार्यालय में की जोरदार नारेबाजी। रुड़की में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 10 सितंबर को डबल आर्म स्ट्रीट लाइट का लोकार्पण करने पर कांग्रेस नेता आशीष सैनी ने कसा तंज, लाइटों को बंद करके शहर के लोगों को सुविधा से वंचित रखने का लगाया आरोप। राजधानी देहरादून में आप कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का फूका पुतला, पैसे देकर नौकरी दिलाने का लगाया आरोप। रुड़की में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पहले दौरे को लेकर प्रशासन हुआ अलर्ट मोड में, रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा संघ, हरिद्वार जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे और एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने किया नेहरू स्टेडियम का निरीक्षण। भाजपा सरकार द्वारा बंद की गई समाज कल्याण योजनाओं को लेकर कांग्रेस के पूर्व विधायक राजकुमार ने समाज कल्याण विभाग का किया घेराव, समाज कल्याण अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। धनौल्टी से निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह पंवार के बीजेपी में शामिल होने पर उत्तराखंड की सियासी सरगर्मियां हुई तेज। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा जल्द बीजेपी से नाराज चल रहे कई बड़े नेता थामेंगे कांग्रेस का दामन। गाजियाबाद में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने एसएमजी जिला अस्पताल परिसर में ऑक्सीजन प्लांट का किया उद्घाटन, कहा कोविड-19 की तीसरी लहर आने से पहले हमें करनी है सभी तैयारियां। गाजियाबाद के जिला अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसी पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के दिए आदेश, मेडिकल स्टोर संचालक कर रहे आदेश की सराहना। बागपत में कोविड की तीसरी लहर के खतरे के साथ डेंगू और वायरल बुखार के प्रकोप के बीच जिला अस्पताल में उड़ी कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां, सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़ते हुए दिखाई दिए मरीज। गाजियाबाद में पुलिस ने किया अचंभित करने वाला खुलासा, महिला ने पति और बेटे को फंसाने के लिए प्रेमी संग चलवाई खुद पर गोली। अमरोहा में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रशांत आलोक ने 19 तारीख को होने वाली टीजीटी परीक्षा के विरोध में कलेक्ट्रेट ऑफिस में किया विरोध प्रदर्शन, जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर परीक्षा केंद्र को नजदीक करने की करी मांग। गणेश चतुर्थी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जारी किया आदेश, सार्वजनिक स्थल पर स्थापित नहीं कर सकेंगे प्रतिमा, भीड़ इकट्ठा करने पर रहेगी रोक। अयोध्या में राम के द्वार दीपों से श्रृंगार करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 7.5 लाख दीप जलाकर बनाएंगे विश्व रिकॉर्ड। वायरल बुखार के प्रकोप के चलते फिरोजाबाद, मैनपुरी और मथुरा में 12 मरीजों की मौत, आगरा में निकले डेंगू के 2 और मरीज। और बांदा के पर्यावरण संसद में आज बक्सवाहा के जंगल पर बड़ी बहस, केन बेतवा लिंक पर होगा मंथन। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।